मैं और विक्रम दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं एक्चुअली, राइट? हम दोनों जुड़वा भाई हैं और यू नो हम दोनों का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 14 मिनट का है इनफैक्ट। तो हम दोनों ने इकट्ठे ही ये ड्रीम लिट किया था कि हम यू नो आर्मी ज्वाइन करेंगे, और जो हमारा इंटरेस्ट आर्मी की तरफ बना था, तो आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा, बट 1987-88 में एक बहुत फेमस सीरियल आता होता था जिसका नाम था परमवीर चक्र। और इस सीरियल में उन दिनों तक 16 परमवीर चक्र बांटे गए थे लोगों, अपने सैनिक भाइयों को, उनकी शहादत के लिए, उनके सेक्रीफाइस के लिए और उनके वैलर के लिए। तो वो हमारा पहला यू नो ट्रिगर था जब हमें पता लगा कि आर्मी की लाइफ बहुत अच्छी होती है एंड वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, और वहां से हमारा इंटरेस्ट बना। आठवीं क्लास में केंद्रीय विद्यालय पालमपुर ज्वाइन किया, और जो केंद्रीय विद्यालय पालमपुर था वो एक आर्मी कैंटोनमेंट के बीच में था। तो हमारा जो पूरा दिनचर्या होती थी हमारे स्कूल की, हमको दिन भर सिर्फ यू नो कहते हैं ना मैन इन द यूनिफॉर्म, वो सिर्फ ऑलिव ग्रीन कलर ही दिखता था, यू नो वही मोटर बाइक्स ऑफ द आर्मी कलर, वही ट्रक्स दिखते थे 3 टन 1 टन 1, यू नो जो जितनी भी व्हीकल्स होती है आर्मी की। और जितना हमारा फॉर्चुनेटली जो फ्रेंड सर्कल भी हुआ उसमें भी जितने हमारे फ्रेंड्स थे वो जनरली आर्मी ऑफिसर्स के ही बच्चे हुआ करते थे। तो और जब हमने उनके साथ यू नो मिले जुले, हम स्कूल में हमने 5-6 साल इकट्ठे काटे, तो एक तरफ से लगा कि यू नो आर्मी कैन गिव यू अ वेरी वंडरफुल करियर, और वही जो हमारा था जहां से हमारा दोनों का पैशन शुरू हुआ एक साथ। हमने सोचा कि ठीक है यू नो हमने डिसाइड तो कर ही लिया कि फौज करनी है, और उसके बाद ऑफकोर्स हम दोनों भाई ग्रेजुएशन के लिए डीवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ में आ गए, और वहीं से तैयारी शुरू कर दी हमने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की। एंड हम दोनों ने फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया तो विक्रम और मेरा दोनों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ, एंड विक्रम वॉज फॉर्चुनेट कि उनका जो SSB था उन्होंने फर्स्ट SSB अपना इंटरव्यू क्लिक किया, और जो उनका इंटरव्यू था वो 19 SSB इलाहाबाद सेंटर में हुआ था। और मैंने भी 3 बार ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो तीनों बार मेरा रिकमेंडेशन SSB से नहीं हुआ। और तब उनकी विक्रम की जो शुरुआत थी आर्मी लाइफ की, और वहीं से उन्होंने यू नो जून 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अपना प्रवेश लिया, और 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद 6 दिसंबर 1997 को उनका यू नो डेट ऑफ कमीशनिंग था, जब वो एक लेफ्टिनेंट के तौर पर एकेडमी से बाहर निवृत्त हुए। विक्रम बहुत ही एक स्पोर्टी पर्सन था, और अपने यू नो उनका जो फेवरेट गेम था उन दिनों टेबल टेनिस था, और इवन अपने स्कूल को उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया था 1990 में, और बहुत अच्छे रोलर स्केटर थे, मार्शल आर्ट्स में बहुत शौक था, ग्रीन बेल्ट थे गुजरू कराटे स्टाइल में, इवन अपने स्कूल को उन्होंने यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन में नेशनल में पार्टिसिपेशन किया था, और बहुत ही कहते ना यारों के यार थे। ही वॉज वेरी लाइवली, बहुत एक्सट्रोवर्ट, बहुत ग्रेगेरियस जिसको बोलते, बहुत मैग्नेनिमस, और हमेशा चाह होती थी कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करके दिखाना है। और शुरू से ही यू नो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव हुआ करते थे, कि उनको शौक था कि अगर कुछ भी इवेंट होगा, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, ही ऑलवेज वांटेड टू लीड दैट। और मुझे लगता है कि ये सब उनकी आई थिंक क्वालिटीज थी स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, जो लेटर उन्होंने जाके जब ये युद्ध हुआ तो वहां जाके प्रूव किया उन्होंने कि यस आई वॉज बॉर्न टू डू समथिंग।